आज है ब्रेकफास्ट सीरीज का थर्ड एपिसोड। हम रोज रोज के ब्रेकफास्ट से थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो आज की जो रेसिपी होगी वो थोड़ी सी वो क्वाइट हेल्दी और टेस्टी भी होगी। तो आज मैं जो रेसिपी आपको बताने वाली हूँ वो है पोहा उत्तपम। वो थोड़ी सी फ्यूजन टाइप होगी क्योंकि उसका जो बेस होगा वो उत्तपम का लुक देगा, पर उसमें जब हम वेजिस की टॉपिंग करेंगे तो पिज्जा का लुक देगा। तो आइए जानते हैं पोहा उत्तपम के इंग्रेडिएंट्स। तो हमें पोहा उत्तपम का बेस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो है, पहला पोहा। पोहा मैंने 1 कप लिया है। उसके बाद रवा। रवा हमें, अगर हम 1 कप पोहा ले रहे हैं तो आधा कप हमें रवा लेना है। उसके बाद आधा कप हमें दही लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो उसका स्वाद, उत्तपम का जो स्वाद है वो थोड़ा सा खट्टा आ जाएगा, तो इसके लिए दही हमें आधा कप ही लेना है। तो मैंने टॉपिंग के लिए जो वेजेस लिए वो है, पहला है टमाटर, कैरेट, बीन्स और ऑनियन। आप अपने पसंदीदा वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कैप्सिकम एंड अदर्स। रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पोहा। तो अब हम पोहा को इस तरह से बॉल में निकाल लेंगे और उसमें पानी डालकर आधे साइज तक हमें पानी डालना है इसको। और अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही पानी में रख देंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पोहा अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम इसमें से पानी थोड़ा सा निकाल लेंगे, थोड़ा सा ही हमें पानी रखना है क्योंकि हमें बैटर थिक बनाना है, ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है बैटर को, तो इसलिए पानी थोड़ा निकालेंगे और थोड़ा रख देंगे। अब मैंने इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे, इसलिए हम इसमें मिक्सी में निकाल लेंगे इसको। इसके हमें पेस्ट बनानी है अच्छे से। आप देख सकते हो कि मैंने इसकी थिक, अच्छे से थिक पेस्ट बना ली है। तो अब हम इसको बॉल में निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसी तरह थिक ही रखना है उसको। तो अब हम इसमें आधा कप रवा डाल देंगे। रवा डालने के बाद अब हम दही डाल देंगे। और एंड में सॉल्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस बैटर को 10 मिनट ऐसे ही रख देंगे क्योंकि जिसमें इसमें हमने जो रवा डाला है उसको थोड़ा सा फूलने देंगे। अब हम टॉपिंग बनाने के लिए वेजिस को मिक्स कर लेते हैं। सारी वेजिस को मिक्स करना है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो हमने नमक डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। पैन अब अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमें थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। अब हम उसमें जो हमने उत्तपम का बैटर बनाया था वो उसमें डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि वो नीचे से अच्छे से पक जाए। अब हम उसमें हमने जो वेजेस की थी उसको इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। अब हमारा 1 मिनट हो चुका है,
और उत्तपम है जो नीचे से वो भी पक चुका है, तो अब हम उसको पलट देंगे। और इस तरह से उसको पुश कर देंगे ताकि जो हमारी वेजिस है वो नीचे से भी पक जाए। अब हमारा पोहा उत्तपम रेडी हो चुका है, तो अब हम उसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने ब्रेकफास्ट सीरीज के पहले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज जाके उसको चेक कीजिए।